मथुरा में इन्वेस्टर्स समिट आयोजन हो रहा है, सांसद हेमा मालिनी हमारे साथ है। हेमा, इन्वेस्टर्स समिट हो रहा है, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का और क्या एक मैसेज? कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि ये हमारे मथुरा जनपद में इंडस्ट्रीज आए और बहुत सारे यहाँ के जनता को भी बहुत सारे रोजगार सब मिले और बहुत खूब उन्नति करें। जी, कार्यक्रम चल रहा है, पहला सेशन हुआ है, कैसा रिस्पांस है लोग? कई लोग आए हैं, कितने करोड़ों रुपया डालने के लिए तैयार हैं अभी यहाँ पर आके। ही वांट्स टू पुट, यू कैन आस्क, सो मेनी पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड, सो इट्स बहुत खुशी की बात है कि सब लोग आ रहे हैं। अभी पहले आने में थोड़ा झिझक रहे थे, अभी बिल्कुल ऐसा माहौल नहीं है, अच्छा है, सो सब लोग आ रहे हैं। तो इससे उम्मीद जताइए आने वाले समय में और इन्वेस्ट यहाँ पे और भी इन्वेस्टमेंट होगी, और क्योंकि कोसी इज जस्ट अ प्लेस की इज वेरी क्लोज टू दिल्ली ऑल्सो, नोएडा, सब जगह के लिए। तो यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया बनाया है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ऑलरेडी आना शुरू हो गया है, तो इससे बहुत कुछ विकास होगी। आप कुछ कहना चाहेंगे और इन्वेस्टरों से जो लोग यहाँ पर आए मथुरा देखें? मैं चाहती हूँ बहुत बड़े कारखाने लाइक मोटर गाड़ियों का जो है ना, लाइक मैंने महिंद्रा से बात भी किया था बहुत साल पहले, उस वक्त तो उन्होंने ना किया था, मतलब इट वॉज डिफिकल्ट गुड, बट मैं अभी जाकर हमारे मुंबई में जितने भी उद्योगपति बड़े बड़े लोग हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि यहाँ पर आकर सम पार्ट्स बनाएं, तो उससे हमारा नाम बढ़ेगा। धन्यवाद, हमारे साथ रही मथुरा की सांसद हेमा मालिनी, क्योंकि मथुरा में इन्वेस्टर समिट चल रहा है, सांसद हेमा मालिनी मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में भाग कर रही है। सबसे बड़ी बात कि तमाम इन्वेस्टर यहाँ पर आ रहे हैं, करीब 150 इन्वेस्टर यहाँ पर आज भाग ले रहे हैं, ऐसे में करीब 18,000 करोड़ का इन्वेस्टर समिट में आज एमयू साइन हो रहा है। कमल सर, मीडिया मथुरा।